माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ स्टैंडर्ड आई सेल्विन जॉर्ज फ्रॉम बचपन एंड सेवन स्टार कॉन्वेंट स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर ऑफ हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर द सेकंड पॉइंट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पॉइंट ऑफ द आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन वट यू मीन बाई द आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन कि रेवोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट हुआ कहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका कारण क्या था फ़र्स्ट कारण है लुईस सिस्टिन यह चाहते थे कि वो इंक्रीज़ करे टैक्सेस को लेकिन वो अकेले इंक्रीज़ नहीं कर सकते थे वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि वहाँ के स्टेट जनरल्स डिसाइड करते थे और जो भी राजा यानी लुई सिस्टीन प्रपोजल लाता था यानी कोई कारण ये कि भाई हमें टैक्स बढ़ाना है ये प्रपोज़ल का पास करने का काम स्टेट जनरल्स करते थे स्टेट जनरल्स को बुलावा भेजना था प्रपोजल भेजने कि भाई नया टैक्स पे करना है उनको बुलाना था मीटिंग के लिए लेकिन ये डिसाइड करते थे राजा कि कब बुलाना है लास्ट टाइम इन्होंने बुलाया था uh, 1614 में जब भी मीटिंग हुई थी वो सिक्सटीन फोर्टीन में हुई थी मैंने जैसे पहले भी पहले सेक्शन में बताया था कि स्टेट जनरल्स स्टेट जनरल्स यानी तीन पार्ट थे फर्स्ट नोबल्स सेकेंड क्लर्जी और थर्ड आके पीजेंट्स ऑन फिफ्थ में सेवेंटीन एटी 1789 लुई सिस्टीन कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ स्टेट जनरल्स इनकी मीटिंग होनी थी वह एक हॉल था वेस्लिस में उधर होनी थी डेलीगेट्स आने थे डेलीगेट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव अब हर एक लोग खुद तो आ नहीं सकते थे तो वो अपना प्रतिनिधि को भेजते थे उन्हें हम लोग डेलीगेट्स कहेंगे यार फर्स्ट और सेकंड डेलीगेट्स जो थे सेकंड स्टेट्स थे उन्होंने 300 सौ रिप्रेजेंटेटिव इच मतलब नोवल्स ने 300 लोगों को भेजा था और क्लर्जी ने 300 लोगों को भेजा था और उन्हें हॉल के बीचों बीच आमने सामने बिठा दिया गया था कि सा, एक बाजू स्टेट uh, जनरल्स um, के मतलब नोबल्स के 300 और क्लर्जी के 300 ये सामने आमने सामने बैठे थे और तीसरा जो स्टेट थे उसमें 600 हंड्रेड मेम्बर्स आए थे थर्ड स्टेट से उनको खड़ा कर दिया गया था बैक साइड में क्योंकि पीजेंट्स थे और पीजेंट्स में आर्टिश वमेन ये पीजेंट्स में भी जो थर्ड स्टेट्स थे उसमें जो प्रॉस्परस थे और जो पढ़े लिखे थे उन्हीं को अंदर बुलाया गया था पीजेंट्स आर्टिशंस को एंट्री नहीं दी गई थी बार वो, वो, बहुत जमावड़ा था उनकी तकलीफें करीबन चालीस हजार लेटर उन्होंने लिख कर अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिया था वोटिंग स्टेट जनरल्स ऐसा था कि वोटिंग स्टेट जनरल्स में इस तरह सा था कि ईच स्टेट मतलब तीन स्टेट थे हर एक स्टेट को एक एक वोट दिया गया था एज ए होल लेकिन थर्ड स्टेट्स के लोग ये चाहते थे कि ये बार एज ए स्टेट जनरल्स एज ए होल हर एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलना चाहिए ये थिंकिंग रोसी अपने बुक में लिखे थे किंग ने सीधा मना मना कर दिया प्रपोजल को और थर्ड स्टेट्स ने असेंबली हॉल छोड़ दिया था प्रोटेस्ट में बाकी लोगों ने द फ्रेंच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू व्यूल्फ एज ऑफ द होल फ्रांस ऑन ट्वेंटी जून दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वेस्टली they declined themselves the national assembly and swore not to disperse till they had drafted the constitution for france and would limit the powers of the monarch. they were led by mirabeau and abbe. was born in noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. अब एक प्रॉब्लम हो गई थी रिप्रेजेंटेटिवज़ ने तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वो बाहर चले गए थे प्रोटेस्ट में वो एकत्रित हुए वेस्टल के एक टेनिस ग्राउंड में 20 जून को और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब नेशनल असेंबली बनेगी और उस नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी और जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं निकल नहीं लिखा जाएगा वो वहाँ से जाने वाले नहीं हैं और राजा के अधिकार को रोक दिया जाएगा कम कर दिया जाएगा मोनार्च के और ये सारा जो लीड कर रहा था मेरा भी एन एबी वो एक नोबल फैमिली से पैदा हुआ हुआ था लेकिन वो चाहता था कि फीडल फ्रिवलेज हट जाए सी एस एक प्रिस्ट था इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था उसमें लिखा था व्हाट इज द थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली बिजी जो वेसलेसली में बिज़ी था ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बिज़ी थे लेकिन जो फ्रांस की हालात थी वो ख़राब थी लोग आके बहुत बुरी हालत में गुजर रहे थे वहाँ बैड आर्वस था यानी फसल बर्बाद हो चुका था अच्छा अच्छी फसल नहीं हुई थी प्राइस बढ़ चुके थे ब्रेड के और सप्लाइज कम हो चुके थे बेकर्स यानी जो ब्रेड बनाते थे वो प्राइस बढ़ा रहे थे क्राउड ज़्यादा गुस्से में आ चुका था और औरतें आदमियों ने लूटपाट मचा ली थी ये देखते हुए राजा ने अपना सेना पेरिस में उतार दिया चौदह जुलाई को एजिटेटेड क्राउड जो क्राउड गुस्से में थी उसने बैसरप्रीजन पे कब्ज़ा कर दिया और इस तरह से रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई ये कंट्री साइड में रूमर फैल गया गाँव टू गाँव ये स्टार्ट होने लगे हायर बैंड्स मतलब ब्रिगेड बने लोगों ने क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा फैमिली ये हो जाएगी डर के मारे इन लोग ने एक दूसरे पे मतलब राजाओं के सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट किया ये प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही हर जगह पे दंगा फसाद फैल चुका था ये देखते हुए फ्रांस के जो राजा थे लुइस सिस्टिन उन्होंने लास्ट में मान लिया कि नेशनल असेंबली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखेगी वो अपना पावर कम करने के लिए तैयार था ये फोर्थ अगस्त 1789 में असेंबली ने पास किया कि फेडरल सिस्टम को जो उनके ऑब्लिगेशंस थे कि जो उनके क्लर्जी और नोबल्स को जो अधिकार मिले थे वो हटा दी गई और प्रिवलिजस बाय बर्थ को हटा के चर्च का भी जो एरियाज थे वो सब हटा दिया गया ये पॉइंट में ये बताने की कोशिश की गई है अब मैं फिर से एक समरी करा देता हूँ स्टेट जनरल मीटिंग करती थी राजा प्रपोजल लाता था कि भाई टैक्स बढ़ाना है और ही डिसाइड करते थे स्टेट जनरल स्टेट जनरल में तीन जन थे तीन आ, स्टेट्स थे नोबल क्लर्जी और तीसरा आम जनता यानी पीजेंस लेकिन ये अधिकार किसका था बुलाने का स्टेट जनरल का ये था अधिकार राजा का ये इसके पहले मीटिंग हुई थी 1614 में ये बार भी राजा ने डिसाइड किया कि मैं स्टेट जनरल बुलाऊंगा स्टेट हर से स्टेट से नोबल से 300, हंड्रेड क्लर्जी से 300, और जो थर्ड स्टेट थे वहाँ से 600 लोग आए थे थर्ड स्टेट्स में से जो प्रॉस्परस और एजुकेटेड लोग थे वो आए थे आर्टिशंस नॉर्मल पीजेंट्स और औरतों को एंट्री नहीं दी गई थी नोबल और क्लर्जी को हॉल में बीचों बीच बिठाया गया था आमने सामने और जो थर्ड स्टेट्स थे उनको पीछे खड़ा किया गया था नॉर्मल लोगों ने चालीस हजार लेटर लिख के अपने दुख लेटर लिख के अपने रिप्रेजेंटेटिव को दिए थे वोटिंग सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि क्लर्जी का एक वोट नोबल्स के एक वोट और पीजेंट्स के एक वोट होते थे राजा यही चाहता था कि यही फॉलो करे लेकिन स्टेट जनरल थर्ड स्टेट जनरल के लोगों ने कहा कि यह बार ये सिस्टम हम फॉलो नहीं करेंगे एज ए स्टेट जनरल होल फॉलो किया जाए और इसी को एक उन्होंने डिसाइड किया आ, राजा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि हर एक व्यक्ति हर एक, एक वोट मिलेगी तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बाहर चले गए और उन्होंने वर्सलेसली के ग्राउंड में जहां टेनिस ग्राउंड था वहाँ आके जमावड़ा हुआ वहाँ उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक नेशनल असेंबली लाएंगे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा और राजा के अधिकारों को कम कर दिया जाएगा हर जगह पे आंदोलन होने के कारण राजा ये लास्ट में मान लिया और स्टेट असेंबली नेशनल असेंबली को पावर मिल गया यू जस्ट रीड द चैप्टर रीड दिस पैराग्राफ फाइंड आउट द हार्ड वर्ड्स राइट इट इन योर नोटबुक एंड इन हिंदी फाइंड द हिंदी मीनिंग ऑल्सो so that you can uh, increase your vocabulary this is your homework and from tomorrow i will give start with the next point